वेलकम टू फरीन्स किचन। आज मैं आपको चिकन पॉकेट रोल बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस, बोनलेस जो चिकन होता है उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर ली हूँ। इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। पहले एक बोल में ले लीजिए आप। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूंगी। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर, हाफ टी स्पून, थोड़ी सी हल्दी, एक टीस्पून डाल रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ मैं चाट मसाला पाउडर, एक टेबलस्पून डालूंगी मैं कर्ड, थिक वाला कर्ड, देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें, एक टेबलस्पून, ताकि अच्छी तरह इसमें मैरिनेट हो जाए। एक टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज करती हूँ वो ऑयल, एक टीस्पून डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें अब मैं डालूंगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये पुदीना डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ, और ये हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इसके साथ मैं डाल रही हूँ रेड बेल पेपर्स। आप ग्रीन भी यूज कर सकती हैं, रेड भी कर सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से एक आधा घंटा हम मैरिनेट करके इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कप मैदा लिया है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नमक डाल के जैसा हम पूरी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से मैंने इसको सॉफ्ट गूंथ के, और मैं ये भी जिस तरह से मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा रखूंगी, इसको भी मैं साइड बाय साइड एक आधे घंटे के लिए इसको कवर करके आप रख दीजिए। ये मैं दो अंडे ले रही हूँ, सिंपल जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे हम छोटे छोटे इसके बिल्कुल छोटे ऑमलेट्स बनाएंगे हमारे रोटी के अंदर डालने के लिए। इसमें मैं सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून, और थोड़ी सी हल्दी, और एक थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। बस जिस तरह से हम ऑमलेट बनाते हैं सिंपल ऑमलेट, उसी तरह से हम इसको चलिए अब मैं आपको छोटे छोटे ऑमलेट बनाना बताती हूँ, जो कि हम अपनी रोटी में पहले यूज करेंगे और उसके बाद फिर हम चिकन पका के और वो डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं एक टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, ऑयल डाल रही हूँ। चिकन जो हमारा आधे घंटे से हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो हम इसमें पकाएंगे अभी। ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये बोनलेस है और छोटे छोटे पीसेस हैं इसलिए, और ऑलरेडी हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था इसलिए सॉफ्ट हो ही चुका है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगेगा इसका, ताकि पानी भी सूख जाएगा और ये अच्छी तरह से पक जाएंगे ये पीसेस जो हैं। ये अभी थोड़ा इसमें पानी है क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया था, इसलिए एक और 2-3 मिनट लगेंगे मुझे। फुल फ्लेम पे पका रही हूँ मैं इसको ताकि ये पानी अच्छी तरह से सूख जाए। इस साइड में मैंने इसको, चिकन को साइड में पकने के लिए रख दिया है, और ये दूसरा फ्राइंग पैन ले रही हूँ मैं, जिसमें कि हम छोटे छोटे
ऑमलेट्स बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे एक एक स्पून जितने ऑमलेट्स बनाएंगे हम इसमें। इस तरह स्पून की मदद से गोल गोल इस तरह के छोटे छोटे ऑमलेट्स बना लें। देखिए फ्रेंड्स, ये भी छोटे छोटे ऑमलेट्स बन गए हमारे, रेडी हो गए। अब हम हमारा आटा जो है इसको बेल के और हमारे तैयारी करेंगे हमारे पॉकेट रोल्स बनाने की। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये छोटे छोटे बॉल्स बना ली हूँ मैंने मैदे के, जो पहले से हमने गूंद के रखा था। अब उसको छोटी छोटी रोटियाँ बना के बस इससे थोड़ी सी और बड़ी करूंगी मैं। ये साइज की रोटी बनाएंगे हम छोटी छोटी, जिस तरह से हम पूरियां बनाते हैं उसी तरह से। इसके अंदर अब मैं डालूंगी एक छोटा सा ऑमलेट हमारा, उसके ऊपर डालूंगी मैं ये चिकन। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी चीज। चीज डिपेंड करता आप कितना डालना चाहती हो। जब इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होएगा इसके अंदर, और जब आप कट करेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो साइड में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसको पैक करने के लिए इस तरह से, और इसको ऐसा करेंगे, पहले हल्के हाथों से दबाइए इसको, थोड़ा साथ साथ में आप शेप भी देते जाइए ताकि वो बेशेप ना होए। ये देखिए इस तरह से आपके पॉकेट चिकन पॉकेट रोल एक रेडी है। इसी तरह मैं बाकी के बना के और आपको फ्राई करना बताती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ फ्राइंग पैन में। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकती हैं, अगर आप चाहती हैं तो शेलो फ्राई भी कर सकती हैं। इसको अब मैं स्लोली उठा के इसमें जो चिकन पॉकेट रोल्स है उसको मैं डालूंगी। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है आपने। जब तक ये हो रहे हैं मैं दूसरे भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से बहुत अच्छे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए। अभी हमको दूसरे साइड से भी करना है। स्लो पे करिएगा क्योंकि वो साइड हमारा फोल्ड है,
इसको एक एक बार इस तरह से भी कर लें आप, ताकि इसके जो साइड्स हैं ये वाले साइड्स ये भी अच्छे से हो जाएं, पक जाएं। थोड़ी सी देर आपको ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा इनको इस तरह से। अगर आप इनको शेलो फ्राई कर रही हैं या डीप फ्राई कर रही हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये इस तरह से चारों साइड से हमारे अच्छे तरह से पक जाएंगे फिर हमारे पॉकेट रोल्स। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी अभी रमज़ान आ रहे हैं, आपको रोज़ रोज़ एक एक वैरायटी बनानी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके चिकन पॉकेट रोल्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत क्रिस्पी। ये मैंने आपको कट करके बताया, देखिए ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, चीज़ मेल्ट हो चुका है इसमें। ये आप ज़रूर ट्राई करें, और आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।